हाल ही में अज्ञात कारणों से अनाज मंडी में आग लग गई थी, जिसमें व्यापारी एवं किसानों को नुकसान हुआ था। इसे लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने व्यापारियों एवं किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। भगवान सिंह वर्मा का कहना है कि यदि किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। भगवान सिंह वर्मा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बताया कि हाल ही के दिनों में अनाज मंडी समिति में आग लगने से किसानों व व्यापारियों को करोड़ों रुपए के गेहूं, सरसों, बाजरा तथा दाल आदि जलकर खाक हो गए थे, जिसमें किसानों व्यापारियों को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंची है। भगवान सिंह ने कहा कि प्रशासन या सरकार के द्वारा पीड़ितों को अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। किसान व व्यापारी भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार और प्रशासन को तुरंत आर्थिक मदद देनी चाहिए, जिसको लेकर आए ज्ञापन दिया गया है। यदि सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देती, व्यापारियों को मदद नहीं पहुंचाती, तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा 29 तारीख को जो मंडी समिति में किसानों व्यापारियों को जो आग के कारण करोड़ों रुपये की क्षति हुई है, मैं उस पर मौके पर गया था और मैंने मुआयना किया था। तो मैंने देखा वहाँ अग्निशमन सरकार की तरफ से होनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल राज्य सरकार शुल्क के रूप में पैसा लेती है किसानों से, व्यापारियों से, लेकिन उनको सहायता नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज अगले अग्निशमन का व्यवस्था होती तो आप आग पर काबू पाया जा सकता था और इतनी नुकसान नहीं होता। मैं राज्य सरकार से, प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि किसानों को और व्यापारियों को उनको उचित मुआवजा में मिले, मुआयना करके जितना बैठता है उनका और शीघ्र मिले। ये अभी व्यापारियों का और किसानों का अनहित हुआ है और हम लोगों की पूरी जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा की गहरी संवेदनाएं किसानों के और व्यापारियों के साथ हैं। दूसरा जो अनहित हुआ है, ये मैं कहूँगा पूर्ण रूप से अग्निशमन, जैसा अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि वहाँ पर मौजूद होना था। जब इतनी बड़ी व्यवस्था आपने वहाँ बना रखी है और किसानों का अनाज रखा हुआ है, व्यापारियों का इतना अनाज रखा हुआ है, तो किसान बेचारा अब क्या करे, परेशान है किसान। और तमाम किसान जब हम लोगों के पास आए रोते हुए कि किस तरीके से अपना गुजारा वो लोग अब करेंगे, क्योंकि किसान का तो देखिए पालन पोषण का वही उसका अनाज और उसका खेती और उसकी मेहनत, उसका जीवन व्यापन करने का उसका जरिया है। तो बहुत दुखी हैं किसान और व्यापारी भी दुखी हैं।